नमस्कार दोस्तों, ऑल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनवरी 2019 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से। तानसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी चंडीगढ़ या फिर डी जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी गुजरात, सी गोवा या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कुमार राजेश चंद्र, बी एसएस देसवाल, सी विक्रम सिंह या फिर डी रजनीकांत मिश्रा। तो इसका सही जवाब होगा कुमार राजेश चंद्र। कुमार राजेश चंद्र के पहले रजनीकांत मिश्रा एसएसबी के महानिदेशक थे और एसएसबी का फुल फॉर्म होगा सशस्त्र सीमा बल। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह फाइनेंस को किस बैंक के साथ विलय किया गया है? ऑप्शन ए बंधन बैंक, बी आईडीबीआई बैंक, सी बीओबी बैंक या फिर डी पीएनबी बैंक। तो इसका सही जवाब होगा बंधन बैंक। हाल ही में विश्व बैंक के पद से किसने इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए रॉबर्ट जोलिक, बी यूजिन मेयर, सी जिम योंग किम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जिम योंग किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए जयपुर, बी नागपुर, सी पुणे या फिर डी इंदौर। इसका सही जवाब होगा इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, बी जयपुर, सी चेन्नई या फिर डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुणे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी मिस्र, सी ब्राज़ील या फिर डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 9 जनवरी या फिर डी 15 जनवरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या फिर डी पुणे। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पोलावरम परियोजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। यह परियोजना गोदावरी नदी पर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार वाराणसी और किस शहर के बीच एयरबोट सेवा शुरू करने का घोषणा किया है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। प्रयागराज में ही वाराणसी से एयरबोट सेवा शुरू करने की घोषणा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी जापान या फिर डी रूस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ में। हाल ही में इसरो ने कब तक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2021,
ऑप्शन सी 2023 या फिर ऑप्शन डी 2024। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2021। 2021। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय फिश फेस्ट 2019 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद या फिर ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे और यह उद्घाटन बनारस में होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में NHRC के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विक्रमा सिंह, बी आदेश गोयल, सी जयदीप या फिर डी राजेश चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयदीप। आपको बता दें NHRC का फुल फॉर्म होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पहली बार फिनिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अरुण जेटली या फिर ऑप्शन डी राजनाथ कोविंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सी शहर की पुलिस ने सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सी केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़ या फिर डी अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुडुचेरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इम्बेक्स 2018-19 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल या फिर डी हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ICC का CEO किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मनु सुवाहने, माफ़ कीजिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी शशांक मनोहर, ऑप्शन सी डेविड रियसम, ऑप्शन डी राजनाथ कोविंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनु सुवाहने। ICC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका मुख्यालय होगा दुबई में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।